लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने ऋतिक को साफ साफ कह दिया, मेरी पलकों और स्पर्श तक कभी भी नहीं हो सकता जी। दोनों में कोई मेल ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग की बात बात पर क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए सेतु ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ ढूंढे? मुंबई। कबीर मुंबई में, हमें वहीं ढूंढना चाहिए। यार राइट, एयरपोर्ट पे मिले शाम को। अच्छा, मैंने पूरी अंकल को बता दिया है, डैड उनसे बात करेंगे। यार कोई भी बात करने से पहले एक बार डैड से पूछ लेते ना। अरे इसने गलत क्या किया भाई ने, ठीक ही तो किया। आई मीन डैड अपने तरीके से बात करते तो बेटर होता ऋषभ। यार बेबी, किसी को तो सेंसिबली बात करनी पड़ेगी ना। हमारे इस घर में तो सब रिकी के इमोशंस के साथ बह गए। उसके ऊपर से ना डैड, ना मैं, ना रिकी, कोई भी ऑफिस नहीं है, बस तमाशा बना हुआ है। ऐसा नहीं होता। यू नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम उस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो जो डैड देख पा रहे हैं। यार रिकी का ऑफिस, रिकी का काम उसकी लाइफ से बढ़कर तो नहीं है ना ऋषभ? और रियली और क्या हुआ है उसकी लाइफ को? सब सही तो चल रहा है। पता है बचपन से ना हमें माँ ने बस एक बात कह दी थी कि भाई रिकी को इम्पोर्टेंस देनी है। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो उसका पास्ट उसके प्रेजेंट पे हावी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल, वी लव हिम। लेकिन तब हम छोटे थे यार, अब हम बड़े हो गए हैं। एवरीबॉडी इज ग्रोन अप, ही इज अ ग्रोन अप मैन नाउ। अभी भी सबको छोड़ छाड़ के रिकी के पीछे, रिकी दिस रिकी दैट, रिकी दिस रिकी दैट। व्हाट अबाउट ऑल ऑफ अस? एंड व्हाट इफ उस लड़की ने वही किया जो रिकी की पहली माँ ने किया था इतने सालों में? बस कर ऋषभ, ऐसा बिल्कुल मत सोच। दादी ऐसा ना हो इसीलिए सोच रहा हूँ। मेरी भी फैमिली है, सब कुछ रिकी का नहीं है। काम डाउन ऋषभ, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दादी को कितना बुरा लगा। यार मैंने क्या गलत बोला है? सिर्फ सच ही तो बोला है। लेकिन ऋषभ प्यार से भी बात कर सकते हैं ना। मैं भी चाहता हूँ कि रिकी की शादी हो और किसी सही लड़की के साथ हो, और एनी वो लड़की है। नॉट दैट कोल्ड डिगर। आई नो ऋषभ, पलक की फैमिली से एक बार मिल लें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ममता। यार आप लोगों की सुई अभी तक किसी पे अटकी हुई है? ये फैसले इतने आसान नहीं होते ऋषभ। यार मॉम मेरे लिए तो आसान है। एनीवे आप लोगों की पूरी अंकल से बात हुई है? पूरी तो होने भी यही चाहते हैं कि अनन्या दाफिया रिक्की दे नाल हो जाए। और सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि रिक्की ने एक बारी माफी मांगनी पड़ेगी। तो डैड आप बोलो ना रिक्की को, आपकी बात सुनेगा वो, सॉरी बोलेगा। हाँ रिक्की जरूर सॉरी बोले, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने अपने मन की बात की, इसलिए क्योंकि जिस तरह से उसने कहा, जिस माहौल में कहा, वो ठीक नहीं था। उससे पूरी उसको बहुत तकलीफ हुई, उसे माफी मांगनी भी चाहिए। लेकिन ऋषभ उसके मन का क्या? वो इस शादी से खुश नहीं है तो नहीं है। तुम मॉम क्या करें, रिकी को ये गलती करने दे, उस पलक के साथ ये रिलेशनशिप रखने दे, जानते हुए कि अनन्या उसके लिए परफेक्ट है। मॉम वो पलक उस लालची औरत की बेटी है। It's unbelievable, mom. I completely agree with bhai. क्या agree? क्या रिकी एक बच्चा है, वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। पहली बार उसको प्यार हुआ है। क्या बात कर रहे हो दादी? यार हम नहीं जानते कि रिकी की कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। हमें क्या पता वो क्या कहता है अपनी गर्लफ्रेंड्स को। ये तो बस सारी बातें ओपन में हो गई तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया मैं। और मॉम आप तो ऐसे बिछ गए हो रिकी के लिए कि जैसे वो ही इकलौता लड़का है जिसको प्यार हुआ है। इसको मैं बेवकूफी बोलता हूँ, दिस इज स्टुपिडिटी। वो उसे बेवकूफ बना रही है और वो बेवकूफ बन रहा है। रिकी के लिए यही सही है कि उसकी अनन्या से शादी हो, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिज लाइफ। ऋषभ यहाँ शादी की बात हो रही है, कोई बिजनेस डील नहीं हो रहा। सर वॉटर। थैंक यू। वॉटर मैम। I'll take it. Thanks. अगर रिकी कह रहा है कि वो उस लड़की से प्यार करता है तो क्यों नहीं हम ये बात समझे, सुने, वो लड़की को जाके देखे, उसको जाने। कौन यार,
आप क्या जानना चाहते थे? मैं बताता हूँ आपको, दैट गर्ल्स फैमिली इज अ गोल्ड डिगर फैमिली। मेरी गीता के नाल लंबी जान पहचान थी, बहुत सोच समझ के ब्याह की तरसी मैं देना। शादी के 10 साल के बाद उसकी असलियत सामने आई। बेटा अगर इंसान के मन में खोट है ना, तो वो कभी ना कभी समझ में आता ही है। तू मैं दस सानू की करना चाहिए? सीट बेल्ट मैम, सर काइंडली स्विच ऑफ योर फोन। या जस्ट जी डैड। हेलो रिकी। ओ पुत्र मैंने तेरे को। हेलो सर, प्लीज सर, आई जस्ट नीड टू टॉक टू माय डैड। या एक सेकंड प्लीज सर। कटिया, थैंक यू डैड। कहीं फोन जी डैड। हेलो ऋत्विक, प्लीज फोन ऑफ कर दो ना, पापा से बाद में बात कर लेना। एक मिनट। हेलो। एक मिनट में ऐसा क्या हो जाए? अगर इम्पोर्टेंट बात है तो बाद में भी कर सकते हो ना। वैसे भी सुन नहीं रहा था मुझे क्या। यार मैं डैड से बात ही नहीं कर पा रहा ढंग से, ना कुछ समझाना है उन्हें। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब। नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, तो हम लोग इट्स जस्ट दैट कुछ कंट्रोल में नहीं है ना हमारे बस में कुछ नहीं है। क्या बात है, मन नहीं बना पा रहे? अमन रिकी कितने है? पापा जी मेरा भी फोन नहीं लग रहा। पा भाई तो सीधे एयरपोर्ट चले गए ना जिम से। या? या, वो पलक दिया है और सीधे मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई क्यों, किस लिए? पलक दी कह रही थी कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि सेतु दी मुंबई में, तो दे ऑल लेफ्ट। ये क्या नया तमाशा है, हम सब रिकी को जानते हैं। रिकी हमेशा हर सेकेंड की जानकारी देता था हम सबको, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, और सडनली ये पलक के साथ मुंबई चला गया बिना बताए। ऋषभ ये सीरियस बात डिस्कस कर लिया? प्लीज मैं जानता हूँ अपने भाई को, उसकी माँ ने जो उसके साथ किया। डैड आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग लाइक दिस अगेन, लेकिन जब वो उसे छोड़ के गई थी तो वो टूट गया था, ही स्टिल डैमेज्ड। और सीरियसली मुझे ना ये कहानी वापस दोहराती हुई दिख रही है। डैड आप ही बोलते हो ना कि अतीत से सीखना चाहिए, तो आप बोलो क्या करना है? क्या करना है मतलब, ऑब्वियसली मुंबई से भाई को वापस लेकर आते हैं ना। आज उस लड़की की वजह से एक दिन से गायब है, कल को हमें छोड़ जाएंगे? दैट्स नॉट राइट, वो भी उस पलक के लिए, दैट्स रॉन्ग। पा मैं तेरी बात समझ रहा हूँ रेशु, लेकिन साक्षी ठीक कह रही है, हमारे रिकी को जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ है, हमें पलक को कम से कम एक चांस तो देना ही होगा। मुझे लगता है कि मुझे पलक से मिलना चाहिए, तुझे क्या लगता है? नहीं डैड आपने मन बना लिया है तो फिर मेरे से पूछने की जरूरत ही क्या है, डिसाइड कर लिया ना आपने। तू 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 गलत समझ रहा है रिशु। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, आपको ना किसी पे फेथ ही नहीं। अरे यार कभी तो अपने इस बेटे पे भी विश्वास करने की शुरुआत करो। ऋषभ होल्ड इट, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? ऋषभ क्या हो गया तुम्हें यार, तुम सबके साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? यार डैड को दिखाई नहीं दे रहा, मैं उनको बस यही लग रहा है कि मैं गलत हूं। यार मैं रिकी की फैमिली के फेवर में बात कर रहा हूं। डैड और इस बात से तुम्हें कौन क्वेश्चन कर रहा है? देखो ऋषभ, देखो मेरी तरफ, इस समय सब रिकी को लेकर बहुत परेशान है, दैट्स इट। और अगर रिकी उस लड़की को पसंद करता है तो उसे शादी भी उसी लड़की के साथ करनी चाहिए। तुम्हें लगता है वो उसे शादी कर लेगा तो वो खुश रहेगा? या क्यों नहीं, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट।
मेरे कहने का मतलब है हमसे इस घर से दूर रह के खुश रहेगा वो। साजी, डैड ने मुझसे कहा है कि अगर रिकी पलक से शादी करता है वो उसे प्रॉपर्टी से इस घर से बाहर निकाल देगा। ऑफ कोर्स डैड ने ऐसा कुछ तुमसे कुछ कहा डैड ने? देखो मुझे क्लियरली कहा है कि ना सबके सामने बात करना अलग होता है। रिकी का दिल रखने के लिए बोल दिया पलक से मिले, पर मैं जानता हूं वो पलक को इस घर की बहू बनने नहीं देंगे। ये डैड जैसा तो बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहा है यार। और डैड निकालेंगे रिकी को घर से बाहर। हम सब जानते हैं कि इस घर की जान है रिकी, डैड की जान है रिकी। हाँ तो यार होने दो शादी, फिर जो तमाशा होगा ना घर में तुम लोग सब बैठ के देखेंगे। डैड उसे कभी माफ नहीं करेंगे एंटनी। खुद सोचो ना यार साजी, डैड और रिकी एक ही दर्द से गुजरे हैं। मैंने देखा है उन दोनों को, वो एक औरत उनकी पहली बीवी उसकी पहली माँ पैसों के पीछे भाग गई। जब मॉम डैड से मिली थी ना रिकी कैसे रोता था। डैड को पैसों के पीछे भागने वालों से सख्त नफरत है, यू नो इट। रिकी को भी तुम्हें लगता है वो पलक से शादी होने देंगे? रिकी को ये गलती करने देंगे? एक और गीता इस घर में आने नहीं देंगे उसको। ओके, मैं एक पल के लिए मान लेती हूँ कि मंजीत आंटी बुरी है। अच्छा पलक, रिकी पलक को बहुत पसंद करता है। एग्जैक्टली, तभी उसको उसके फ्लॉज दिखाई नहीं दे रहे। आई जस्ट डोंट नो, बट मैं नहीं मानती कि ये लोग हमारे पैसों के पीछे। फाइन, ये भी एक सेकेंड के लिए मैं तो मान लूंगा, डैड कभी नहीं मानेंगे। क्यों? इट्स जस्ट टू हर्ट। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम रिकी का ये मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हो। आई मीन इफ यू वांट टू। कैसे? रिकी की खुशी के लिए तुम मंजीत जी से बात करो। जी मम्मा, पहुंच गई मुंबई। हाँ वो ऋत्विक का घर था यहाँ पे तो वहीं ठहर गए। अनन्या भी है। सुन पलकू, और ऋत्विक से दूर रही हो तू, है पुत्र, वो ज्यादा बात करने की लोड़ नहीं है। मम्मा सेतु को ढूंढने आई हूँ। वो कर लूँ प्लीज? बाद में बात करती हूँ। चल ठीक है, फोन रख रही हूँ। है अपना ध्यान रखी, रब राखा। हाय, कॉफी? थैंक्स। मानव वो कॉमन फ्रेंड है मेरा और रोहित का और खबीर। रोहित मिलने जा रहा है उसको कल, शायद कुछ पता चल जाए। ओके। फेवरेट मिल्कशेक जो सिर्फ मुंबई में मिलता है, मैंने आने से पहले मंगवा के रख दिया था। इनफैक्ट स्टैक्ड अप द फ्रिज विद दीज। रिकी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे भी जो कुछ भी हुआ वो इन सब से सॉर्ट आउट नहीं होने वाला। वैसे तू अभी मेरे साथ क्यों बैठा है? तुझे तो पलक के साथ होना चाहिए ना। जा के उसी से बात कर। I'm sure तूने कोई प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं किया होगा अभी तक, और उसने कोई जवाब भी नहीं दिया होगा, राइट? क्या हुआ, तू ना सुनने से डर रहा है? देख अब तूने प्यार कर लिया तो तू डर क्यों रहा है? टेल मी, ऐसे बैठे रहने से नहीं पता चलेगा कि वो क्या सोच रही है, उसका जवाब क्या होगा। जाके बात करो उससे। यहाँ सेतु को ढूंढने आए ना हम लोग, तुम मुद्दे से बाहर क्यों जा रहे? प्रायोरिटी तो सेतु है, उसी को ढूंढते हैं ना।
विजय जी, कब से आवाज लगा रही हूँ, रोटी लग गई है, आओ। क्यों या? और मेरी रिक्की के नाल गाल हो रही थी, उन्हें फोन नहीं काट देता, कोई तरीका है? आए देखो, ऋत्विक आपको कब से फोन ट्राई कर रहा है, आप फोन बंद करके बैठो, मैंने ऑन किया अभी, लो। गलती से हो गया ना? गलती आपकी, रूठे भी आप ही हो। ऋत्विक का फोन आया था, बिल्कुल ठीक है। वो बिना बताए बंबई चला गया, हाँ? एक कोई तरीका होता है? आया था वो आपसे बात करने रात में, लेकिन आप बड़े आराम से, बड़े चैन से सोए हुए। देखो ममता जी, तुसी बार बार है ना उदी साइड ना लिया करो, उदी भी गलती हैगी है, वो जो कुछ भी कर रहा है ना ठीक नहीं है, अपने मन में जो आ रहा है करता जा रहा है। I don't like all this. विजय जी, मेरी बात सुनो, वो आया था आपके पास, आप, अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। सांची? नमस्ते आंटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त डैड इतने गुस्से में है कि वो रिकी को घर से, प्रॉपर्टी से, सबसे बेदखल कर देंगे। ओ जी, हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, हमें ऋत्विक नहीं चाहिए, ना जायदाद के साथ ना जायदाद के बिना। आंटी, मुझे कहना था कि पलक और रिकी के बीच कुछ नहीं है जी, उन दोनों के बीच, और इस बारे में मैं कोई गल नहीं करना चाहती जी, है ना जी। पलकू और ऋत्विक का रिश्ता नहीं होगा, बस। रिश्ते की बात तो घर के बड़े ही करते हैं, मैं तो घर की छोटी हूँ। वो मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि अगर हमारा रिकी आपकी पलक को पसंद करता है तो मेरी पलकू उस मुंडे को पसंद नहीं करती जी। तो जी, मेरी पलकू का मजाक बना के रख दिया उस मुंडे ने। तो रिकी ने हाँ कही है ना, आपके ऋत्विक ने हाँ कही है ना, मेरी पलकू ने तो हाँ नहीं की ना। लेकिन आंटी, उसने ना भी तो नहीं किया। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं पलक से ही बात करके आ रही हूँ, तो रिकी ने तुमसे इतनी बड़ी बात कह दी और तुमने पलट कर जवाब भी नहीं दिया। मैं आपको बाद में कॉल करूँ प्लीज, वो अभी हम सेतु को ढूंढने आए तो थोड़ा बिजी है। अगर आपकी पलक को हमारा रिकी पसंद नहीं था तो वो मना कर सकती थी, साफ साफ इनकार कर सकती थी, उसने बात को टालने की कोशिश की। आई गेस एकदम से रिकी ने उसे ऐसा कह दिया तो थोड़ी घबरा गई। आई थिंक आंटी, वो अपने मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। तो पुत्र जी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, दस तो मैनू, दस तो। जहाँ तक मैंने समझा है, आई फील रिकी और पलक एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस टाइम प्रॉब्लम ये है आंटी कि अगर रिकी ने ऐसा कर दिया ना तो इस वक्त डैड इतने गुस्से में है कि वो रिकी को घर से, प्रॉपर्टी से, सबसे बेदखल कर देंगे। क्योंकि डोंट माइंड आंटी, उन्हें लगता है कि आप ये हम पैसे के लालची हैं ना, और जी कल को ऋत्विक के पास जब कुछ नहीं होगा ना तो हम पीछे हट जाएंगे, यही ना, है ना जी। और जी, हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, हमें ऋत्विक नहीं चाहिए, ना जायदाद के साथ ना जायदाद के बिना। आंटी, आपके और मेरे बोलने से क्या होगा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। देखिए आंटी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि कल को अगर पलक और रिकी शादी करते हैं तो आप डैड के पास जाएं, आप रिकी के लिए बात करें उनसे, आप उनसे कहिए कि आपको रिकी की जायदाद में, उसके घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो रिकी को प्रॉपर्टी और घर से बेदखल ना करें, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप कहिए उनसे। मुझे, मैं उनसे कुछ क्यों कहूँ, मुझे पुत्र उनका है, पैसा उनका है, हमें क्या करना है जी। मुझे पहली बात तो ये रिश्ता ही नहीं चाहिए मुझे। आपकी बात पूरी यकीन के साथ कह सकती हैं? देखिए आंटी, I just want कि जब भी ये शादी हो, प्यार के साथ हो, खुशी के साथ हो, हमारी फैमिली में आपके बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, हमारा रिकी हमारी फैमिली से अलग ना हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, आगे आपकी मर्जी, चलती। इतना अंधेरा क्यों है, लाइट्स कहाँ पे हैं?
आप ही बात कर लो ना मंजीत जी से, हिंट दे के देख लो एक बार। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्टली बात कर लो, बोल के तो देखो मंजीत जी को कि अगर आप रिक्की को कुछ नहीं देते वो शादी कराएंगी, मतलब कि उसके साथ। उनके जवाब से पता चल जाएगा उनको क्या चाहिए, पैसा या अपनी बेटी की खुशी। तू बात तो ठीक कह रहा है, अगर ये औरत सही है तो अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचेगी, वो ये सोचेगी कि एक अच्छा लड़का मिल रहा है, और अगर ये औरत गलत है तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। जिस आदमी ने हमेशा अपने आप को प्यार से दूर रखा, आज उसके लाइफ में प्यार आया। रिकी ने तुमसे इतनी बड़ी बात कह दी और तुमने पलट कर जवाब भी नहीं दिया। अलग क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? इतना अंधेरा क्यों है? लाइट्स कहाँ पे हैं? एक बात पूछूं, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी, पर जब से तुमने मुझे आई लव यू बोला है तुम सिर्फ हमेशा परेशान, गुस्सा, लॉस्ट लगते हो। क्या मुझसे प्यार करना इतना बुरा है?